बिहार में गर्मी और जला देने वाली हवाओं के बीच अब मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट बिहार में आंधी और बारिश को लेकर जारी किया गया है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कई जिलों में बारिश के साथ आंधी के भी अनुमान है। तो आपके जिले का हाल कैसा रहने वाला है, इस वीडियो में ये भी हम आपको बता देंगे। साथ ही ये भी जान लेंगे आप कि अब पारा कितना गिरने वाला है और कब तक बिहार के लोगों को इस तरह राहत मिलने वाली है। दरअसल बीती रात राजधानी पटना सहित कई जिलों में झमाझम बारिश हुई, इससे लोगों को काफी राहत भी मिली। मौसम विभाग की माने तो बीते 24 घंटे में पटना का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के नीचे दर्ज किया गया। वहीं शुक्रवार को 40.2 डिग्री सेल्सियस के साथ रोहतास सबसे गर्म जिला रहा, जबकि पटना और शेखपुरा का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शनिवार और रविवार को भी 26 जिलों में आंशिक वर्षा की उम्मीद जताई गई है। तो वहीं कुछ जगहों पर मेघ गर्जन के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की भी चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई। इतना ही नहीं, बिहार के 26 जिलों में अगले दो दिनों में फिर से बारिश होने की संभावना है। 24 अप्रैल को राज्य के अधिकांश जिलों में ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली और गरज के साथ वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना समेत कई जिलों में शुक्रवार की रात बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। तेज हवा के साथ रात में हुई बारिश के बाद लोगों ने पंखे, कूलर इत्यादि बंद कर दिए। बता दें कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से पछुआ हवा का प्रकोप बना हुआ है। 22 अप्रैल यानी कि शनिवार से इसका असर कम होगा। आज से पूर्वा हवा चलेगी, जिससे लोगों को राहत मिल सकती है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद गया का तापमान जो है 38.6 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं पश्चिमी चंपारण का 38 डिग्री सेल्सियस। सारण की बात करें तो यहां पर तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मुजफ्फरपुर का तापमान 35.8 डिग्री और पूर्णिया का तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा दरभंगा, सुपौल, अररिया, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, सीतामढ़ी, जमुई, औरंगाबाद, बेगूसराय, खगड़िया, नवादा, कटिहार, नालंदा और सिवान का पारा 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 22 से 23 अप्रैल तक बिहार के 26 जिलों में बारिश हो सकती है। इसमें मधेपुरा, किशनगंज, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, जमुई, शेखपुरा, सुपौल, अररिया, सहरसा, बेगूसराय, नालंदा, नवादा, गया, पटना, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, कैमूर, रोहतास और भोजपुर जिले शामिल हैं। इसके अलावा बिहार के लोगों को एक बार फिर से गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिलने वाली है, क्योंकि मौसम विभाग ने ये बताया है कि अगले कुछ दिनों में बारिश होने की संभावना है। और सबसे खास बात ये, चेतावनी इस बात को लेकर जारी की गई है कि ओलावृष्टि भी होगी और आसमान से ऐसा भी हो सकता है कि वज्रपात की स्थिति बन जाए। इसके साथ ही तेज हवाओं का प्रभाव ही रहेगा, जो कि आंधी के रूप में परिवर्तित होगा। इसके अलावा बात करें गर्मी की, तो फिलहाल गर्मी से लोगों को पिछले कुछ दिनों से काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि कभी तो आसमान से रहम बरसेगा और उसके बाद लोगों को तापमान में गिरावट महसूस होगी और लोग गर्मी से राहत पाएंगे। लेकिन अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गर्मी से राहत मिलने की संभावना है और इसका असर जो है शुक्रवार से ही देखने को मिलने लगा है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।